नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्र आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। लौह पुरुष की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा वडोदरा में C-295 विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन भारत की रक्षा और अंतरिक्ष यात्रा के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि। प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। अयोध्या ने सरयू तट पर 25 लाख से अधिक दीप प्रज्वलन और 1121 वेदाचार्यों की आरती के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। और खेलों में आयुष शेट्टी और सतीश करुणाकरण जर्मनी में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्र आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तथा देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता की प्रतिबद्धता और असाधारण नेतृत्व के लिए विख्यात सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में याद किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सुबह नई दिल्ली में पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। इस अवसर पर एकता दिवस परेड का भी आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। इस बार की एकता परेड में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस, 4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल NCC और एक मार्चिंग बैंड की 16 मार्चिंग टुकड़ियां भाग ले रही है। NSG की हेल मार्च टुकड़ी, BSF और CRPF के महिला और पुरुष बाइकर द्वारा साहसी प्रदर्शन जैसे परेड के मुख्य आकर्षण है। इसके अलावा अन्य आकर्षणों में BSF द्वारा भारतीय मार्शल आर्ट के संयोजन पर एक शो, स्कूली बच्चों द्वारा पाइप बैंड शो और भारतीय वायुसेना द्वारा सूर्य किरण फ्लाई पास्ट आदि शामिल है। अपर्णा कुंड, आकाश समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वडोदरा में C-295 विमान विनिर्माण परिसर भारत की रक्षा और अंतरिक्ष यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री और स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष पेड्रो सांचेस ने अभी हाल ही में गुजरात के वडोदरा में इस विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर साझा विचार में श्री मोदी ने कहा कि टाटा विमानन परिसर देश की नई कार्य संस्कृति और क्षमताओं का प्रतीक है। ये वैश्विक वैमानिकी विनिर्माण में भारत की स्थिति मजबूत बनाता है। इसे मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये विनिर्माण केंद्र युवाओं को कौशल और प्रौद्योगिकी की जानकारी देने में भी महत्वपूर्ण साबित होगा और इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। श्री शाह आज सुबह बोटाड के सालंगपुर में प्रसिद्ध कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर परिसर में श्री गोपालनंद स्वामी यात्रिक भवन का उद्घाटन करेंगे। आधुनिक सुविधाओं से सज्जित इस नए अतिथि भवन में 1100 कमरे हैं। श्री शाह कल अहमदाबाद के पिराना कूड़ा स्थल में राज्य के सबसे बड़े कचरे से संपदा संयंत्र का शुभारंभ करेंगे। इस पर 375 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस संयंत्र से प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन कूड़े से 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और राहत की 3% अतिरिक्त किस्त अधिसूचित कर दी है। ये इस वर्ष 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3% अतिरिक्त किस्त की मंजूरी दी थी। इसके बाद महंगाई भत्ता मूल वेतन या पेंशन के 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का कल अंतिम दिन है। इस चरण के लिए 634 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि पहले चरण के लिए 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। एक रिपोर्ट। चुनाव में धन बल पर अंकुश लगाने के लिए जांच अभियान तेज कर दिया गया है। मतदान की घोषणा के बाद से राज्य के विभिन्न इलाकों से अब तक 121 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सामग्री और नकद राशि बरामद की गई है। आयकर विभाग ने रांची के नामकुम स्थित एक निजी स्कूल से 1,14,00,000 रुपए जब्त किया है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अब तक 29 प्राथमिकी दर्ज किए गए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में शांतिपूर्वक चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से जुड़ी झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में छापेमारी अभियान जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कृष्ण कुमार लाल। महाराष्ट्र में नामांकन की जांच के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 288 सीटों पर कुल 7,050 उम्मीदवार मैदान में हैं। 917 उम्मीदवारों के नामांकन अवैध पाए गए। 4 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। राज्य में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। राज्य में लगभग 9,70,00,000 मतदाता हैं। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की संख्या स्पष्ट हो गई है। कल नामांकन वापसी के बाद बुधनी में 20 और विजयपुर में 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 13 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। उधर बिहार में 4 विधानसभा सीट तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ में उपचुनाव के लिए कुल 38 उम्मीदवार मैदान में हैं। 18वीं लोकसभा के लिए सभी 4 मौजूदा विधायकों के चुने जाने के कारण बिहार में इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है। चारों विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को मतदान होगा। तेलंगाना सरकार ने स्वास्थ्य जोखिमों से बचने के लिए पूरे राज्य में कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डी राजा नरसिम्हा ने कल शाम खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया। कई घटनाओं और लोगों की शिकायतों को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है। उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर में बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है। दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य प्रमुख ने यह जानकारी दी। कुछ दिन पहले दक्षिण कोरिया की सैन्य खुफिया एजेंसी ने संसद को जानकारी दी थी कि उत्तर कोरिया ने 7वें परमाणु परीक्षण की तैयारी पूरी कर ली है और अमरीका तक मार करने में सक्षम लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी गजा पट्टी में मानवीय सहायता कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है और अन्य कोई संगठन इसका कोई स्थान नहीं ले सकता। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने कल एक प्रेस विज्ञप्ति में फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए एजेंसी की महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित करते हुए कहा कि एजेंसी जॉर्डन, लेबनान और सीबिया में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सहित आवश्यक मानवीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसराइल की संसद ने इस एजेंसी पर पाबंदी के लिए सोमवार को 2 विधेयक पारित किए थे। जर्मनी में हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी और सतीश कुमार करुणाकरण पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष शेट्टी ने पहले दौर में फिनलैंड के जोकिम अर्डोफ को हराया, जबकि सतीश करुणाकरण ने भारत के ही चिराग सेन को कड़े मुकाबले में हराया। महिला सिंगल्स में केवरा मोपति डेनमार्क के अन्ना सीस रायबर्ग से हार गईं। भारत की मानसी अहलावत ने अल्बानिया में 23 वर्ष से कम आयु वर्ग के विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। मानसी को 59 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक मिला है। मानसी ने क्वार्टर फाइनल में प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक विजेता सोलोमिया वाइनेक को 4-0 से हराया था। प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दीपावली पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, ये त्यौहार वंचितों और जरूरतमंदों की मदद करने और उनके साथ अपनी खुशियां साझा करने का भी अवसर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि दीपावली का आलोक भारत के पथ को रोशन करे और देश को एकता, समृद्धि और असीमित प्रगति के भविष्य की ओर ले जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों के स्वस्थ सानंद और समृद्ध जीवन के लिए मंगल कामना की है। उन्होंने सबके लिए माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश के आशीष की कामना की। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल दीपावली की पूर्व संध्या पर अयोध्या में राम की पैड़ी समेत 55 घाटों पर 25,12,000 से अधिक दिए जलाकर 7वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस वर्ष एक और विश्व रिकॉर्ड बना जिसमें 1,121 वेदाचार्यों ने सरयू के घाटों पर एक साथ सबसे बड़ी आरती की। भगवान राम की नगरी अयोध्या कल शाम 25 लाख से ज्यादा दियों की रोशनी से जगमग हो उठी और दुनिया में किसी भी नदी के किनारे सबसे बड़े दीपोत्सव का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ। पूरा शहर रामायण की थीम पर रोशनी और रंग बिरंगी सजावट से जगमगा रहा था। योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद ये अयोध्या में लगातार 8वां और राम जन्मभूमि में भगवान राम के विराजमान होने के बाद पहला दीपोत्सव था। इस अवसर पर एक भव्य ड्रोन और लेजर शो का भी आयोजन किया गया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। त्रिपुरा में गोमती जिले के उदयपुर में माता त्रिपेश्वरी देव मंदिर को दिवाली और काली पूजा पर रंगीन रोशनी से सजाया गया है। मंदिर परिसर के साथ साथ कल पूरे उदयपुर शहर में उत्सवपूर्ण अचकाचौंध का माहौल रहा। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक त्रिपुर सुंदरी माता के नाम से प्रसिद्ध माता त्रिपुरेश्वरी काली का मंदिर आज हजारों की भीड़ के दर्शन के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में भोपाल संभाग के रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ने भोपाल रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण बुकिंग काउंटर व्यवस्था और यात्री सुविधाओं का निरीक्षण किया। पश्चिम मध्य रेलवे जोन के जनसंपर्क अधिकारी बीएन गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि सुरक्षा प्रबंधन के लिए प्लेटफार्म पर राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती की जा रही है। स्पेशल ट्रेनों के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। यात्री विशेषकर जो उत्तर भारत की ओर ट्रेनें जा रही हैं, हमें जब भी ट्रेनें आती हैं उसके थोड़ी देर पहले ही आरपीएफ स्टाफ, जीआरपी स्टाफ और वाणिज्य स्टाफ, इन ट्रेनों की तैनाती की गई है। गार्ड की तरफ जनरल जो डिब्बे होते हैं और ड्राइवर स्टैंड पर जो जनरल के डिब्बे होते हैं वहां पर क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी स्टाफ को तैनात किया गया है। इसके अलावा मे आई हेल्प यू बूथ काउंटर्स बनाए गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद लवलीन। दीपावली की पूर्व संध्या पर कल अयोध्या में सिर्फ सरयू तट पर रिकॉर्ड 25 लाख से अधिक दिए जलाने और सरयू पर महाआरती की खबरें सभी अखबारों में छाई हुई हैं। अमर उजाला ने इसे अलौकिक अयोध्या बताते हुए लिखा है, सरयू तट हुआ दियों से रोशन। राजस्थान पत्रिका सहित सभी अखबारों ने रोशनी में जगमग रामनगरी के खूबसूरत चित्र देते हुए लिखा है, त्रेता युग में राम के अयोध्या लौटने पर जिस तरह दियों से आलोकित हुई थी नगरी, वैसा ही दृश्य फिर जीवंत हो उठा। दीपावली की पूर्व संध्या पर बाजारों की रौनक और जबरदस्त खरीदारी की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक भास्कर लिखता है, त्योहारों पर पहली बार सोना 82,000 के पार। जनसत्ता के अनुसार बढ़ती कीमतों के बाद भी सोने की मांग में 18% उछाल। उधर हिंदुस्तान की खबर है, दीपावली से पहले दिल्ली का दम फूला। पत्र ने इसे चिंताजनक बताते हुए लिखा है, आनंद विहार और मुंडका में वायु गुणवत्ता 400 के पार। साइबर क्राइम पर अंकुश की कड़ी तैयारी, राष्ट्रीय सहारा ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, गृह मंत्रालय ने बनाई उच्च स्तरीय समिति, निगरानी करेंगे आंतरिक सुरक्षा सचिव। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट और साइबर अरेस्ट पर मामलों को गृह मंत्रालय गंभीरता से ले रहा है। दैनिक जागरण की खास खबर है, वैज्ञानिकों ने बनाई ऐसी स्याही, जालसाजों की अब आफत आई। पत्र के अनुसार इसके इस्तेमाल से करेंसी नोटों, प्रमाण पत्रों, ब्रांडेड चीजों और दवाओं की नकल या जालसाजी रुक सकेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। लौह पुरुष की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा, वडोदरा में C-295 विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन भारत की रक्षा और अंतरिक्ष यात्रा के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि। प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। अयोध्या ने सरयू तट पर 25 लाख से अधिक दीप प्रज्वलन और 1,121 वेदाचार्यों की आरती के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।